लकड़ी नबीगंज प्रखंड क्षेत्र के ख्वासपुर में अचानक हाई वोल्टेज तार टूटकर गिर गई, जिसमें कई लोग बाल बाल बच गए। वहीं धारा प्रवाहित तार एक गाय के ऊपर जा गिरी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। साथ ही चार लोग जख्मी हो गए। वहीं कई घरों में लगे पंखे, टीवी, चार्जर सहित लाखों के सामान क्षतिग्रस्त होने की बात भी सामने आई। इस घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया व लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के प्रति अपने आक्रोश को जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि बिजली विभाग के सुस्त रवैये की वजह से आज कई जाने चली जाती, लेकिन बिजली और उसके रख रखाव को लेकर कोई भी अधिकारी सामने नहीं आते हैं और न ही निरीक्षण में ही कोई आता है। बताया जाता है कि पेड़ की टहनियां बिजली की तार को छूती रहती है, जिसके वजह से इस तरह की घटनाएं घट जाती है। गाय की जान भी जा सकती थी। इस मामले में बाजितपुर निवासी चंदन कुमार गिरी ने ओपी थाना लकड़ी नबीगंज थाना अध्यक्ष सूरज प्रसाद से लिखित शिकायत भी की है। वहीं जेई नीरज कुमार द्वारा देर शाम तक बिजली के तार के मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया गया। वहीं विरोध प्रदर्शन करने वालों में जय किशोर गिरी, कृष्णा गिरी, शैलेश गिरी, विजय दुबे, भोला मांझी, अमरेंद्र पर्वत, राकेश सिंह, उमाशंकर सिंह, शिव शंकर शाह समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। जुड़ो दीक्षांत से, पाओ छुटकारा कोचिंग इंस्टीट्यूट से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विथ एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल।